ऐसा होता ना कि फ्यूचर बर्बाद ही समझो। उन्होंने ऐसे बोल दिया कि पता नहीं ये वो सब करके तो थोड़ा मूड ऑफ हो चुका है, मतलब तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी जगह। और या मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, मतलब अभी 11 बज चुके हैं, मतलब 11 बजने वाले हैं, और मैंने सारे काम निपटा के आराम से अभी धूप में बैठी थी। थोड़ा देर धूप सेकी, बट अब बहुत तेज हो गई है धूप, इसलिए मैं अब छाया में आ गई हूँ। और या व्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट करने वाली थी, बट मुझे मैंने सोचा कि जब काम निपट जाएगा तभी मतलब ऐसे स्टार्ट करूँगी व्लॉग बनाना। मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग बनाऊँगी, बट मुझे कुछ मिल नहीं रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि सब कुछ पता है आपको क्या हो रहा है। इग्नोर करना मेरे फेस को, क्योंकि मैंने मुंह नहीं धुला है जैसे कि आप सबको पता है। नहीं या आई नो मैं बहुत मोटी हो चुकी हूँ। मोटी मैं इसीलिए हो गई हूँ क्योंकि मैं घर पे हूँ, और मैं जैसे चाहे मैं एक हफ्ते भी रहूँगी ना घर पे, मैं मतलब चाहे मैं कम खाऊं ज़्यादा खाऊं, मैं ऐसे फूल जाती हूँ, जैसे कि अभी हो रखा। गाल भी बहुत ऐसे फूले फूले गुब्बारे की तरह हो रखे हैं, और एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा है, इसीलिए ये सारा रिजल्ट ऐसा है। तभी आप कमेंट करके ऐसे बोल रहे हो। तो या इन दिनों ये सब ऐसा हो रहा है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ एक्सरसाइज करने की थोड़ा बहुत, और मतलब अभी कर ही नहीं है बट कोशिश कर रही हूँ कि करूँ मैं। और या और इन दिनों मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं घर पे, मतलब जो मैंने ऐसे मीशो से होम डेकोर आइटम परचेज़ किए थे वो सब मैंने अलग अलग जगह पे मतलब लगाए हैं। तो मैं आपको कुछ कुछ दिखाती हूँ कैसे लग रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। उसका हॉल आपको मिल गया होगा, आपने देख लिया होगा। अगर जिन्होंने मीशो हॉल नहीं देखा है, जो जो मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब कि थोड़ा बहुत दिखाऊंगी, सारा नहीं दिखाऊंगी कि क्या क्या लगा है, क्योंकि या आप वो वीडियो में देख चुके होंगे। बट जिन्होंने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लेना वीडियो, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मैं दिखाती हूँ सबसे पहले आपको कि क्या लगाएं। आप वो देख सकते हो, मैंने वो फ्रंट पे लगाया है, वो बहुत ही क्यूट लग रहा है। मतलब जितने भी मैंने होम डेकोर आइटम लिए है ना, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही ट्रेंड में। तो या लेट्स गो। ये होम डेकोर आइटम जो मुझे बहुत ही पसंद आया था, मतलब अराउंड 200 का है। यहाँ पे मैंने ऐसे फ्लावर पॉट ऐसे रख रखा, छोटा सा क्यूट सा, और ये सबसे अच्छा लगता है यहाँ पे मुझे। और यहाँ पे मैंने नीचे ये फ्लावर रख रखे, बहुत ही क्यूट वाले फ्लावर हैं। और इसी के अंदर वो जो सामने है, वो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। ये जो स्टोन है ये मैंने ही कलर कर रखे हैं, मतलब मैंने, मेरी बहन ने, और ये घास यहाँ कॉमन मिलती है तो मैंने इसको इसमें डाल दिया, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा लग रहा है ये। और या ये एंट्री यहाँ पे बहुत सुंदर है, मतलब जैसे कोई यहाँ से आएगा तो सबसे पहले नज़र उसको यहीं पड़ेगी, तो बहुत ही नाइस। मतलब ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ पे वाली, ये मेरे घर की मुझे बहुत फेवरेट कॉर्नर लगता है, ये वाला मेरे घर का सबसे प्यारा कॉर्नर है, और यहाँ पे मैं अक्सर फोटो ये सब खिंचाती हूँ। तो आपने जितने भी, मतलब लगभग जितनी भी रील होंगी, जो भी फोटोज होंगी, सब आपने यहाँ पे देखा होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब मैंने ये भी यहाँ पे लगा दिया, तो मुझे अब बहुत ही अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है ये 3, 1, 2, 3, और यहाँ पे मेरा वो आपको पता होगा वो हैंगिंग झूला, तो ये भी पैक ऑफ 3 में आए थे, मुझे बहुत ही क्यूट है। यहाँ पर वॉच है करके, मतलब बहुत सारे, मतलब अलग अलग कमरों में ऐसे मैंने कुछ ऐसे वो कर रखे हैं, लगा रखे हैं, जिसमें मेरे भाई ने, पापा ने, इन्होंने जिसको लगाने में पापा ने, भाई ने, सबने मदद की है, तो बहुत अच्छा लग रहा है अब। तो ऐसे ना बहुत मन करता है ऐसे होम डेकोर ये सब करने का, तो इसीलिए मैंने किया जितना भी हो सका। मुझे अभी वैसा घर पे बहुत सारा काम है करने को, तो जैसे ही वो सब कंप्लीट होता है और मैं सब ये अच्छे से होम डेकोर ये सब करती हूँ, तब मैं आपको होम टूर कराऊंगी। क्योंकि आप में से बहुत सारे बोल रहे थे कि होम टूर चाहिए हमें, बट वो अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारा काम अभी पेंडिंग है घर पे, इसीलिए मैंने किया नहीं है होम टूर कभी। बट जैसे ही काम कंप्लीट होता, जब भी, मैं आपको ज़रूर होम टूर करवाऊंगी। ये इसीलिए हो रहा है ना क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद आज ब्लॉग शूट कर रही हूँ, इसलिए मेरी जीप ऐसे फिसल रही है बार बार। तो या अभी बज चुके हैं 11 ऑलरेडी, क्योंकि मैं अभी तक बीच में कुछ काम कर रही थी। तो या मिलती हूँ उसके बाद, स्टे ट्यून्ड। Few moments later. तो आज धूप बहुत अच्छी आ रही है, 3-4 दिन से आज आ रही है धूप, नाइस। और यहाँ पे
मम्मी ये कल खेत से लाई थी, ये क्या बोलते हैं ना, धनिया बोल धनिया, और मैंने इनको अभी धूप में डाल दिया है। ये साथ साथ यहाँ पे हवा भी चल रही है बहुत तेज, और मैं अभी नीचे आ चुकी हूँ क्योंकि मुझे ये तैयारी करनी है लंच की। हवा की वजह से ये गिर चुका है, इसको पहले ऊपर रखती हूँ फिर खाना बनाती हूँ और मिलती हूँ उसके बाद। आज की लंच में बनेगी ये राजमा मिक्स दाल, ये भी मैं मीशो से लाई थी लगाने के लिए, इसको मैं मुझे यहाँ पे लगाना है तो इसको थोड़ी देर बाद लगाएंगे। सबसे पहले लंच की तैयारी करते हैं। 2 hours later. सुबह की पूरी मिली थी आज, किसी का बर्थडे था तब दिया था। इसमें अच्छा आ रहा है कैमरे में, तू देख माँ। हेलो एवरीवन, सो गुड आफ्टरनून, और लंच हो गया है हमारा। अभी मैं लंच करके यहाँ पे ऐसी बैठी हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि ऐसी कुछ आपसे बात शेयर करूँ कि क्या आप में से बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि क्या हो रहा है ज्वाइनिंग ये सब उनका, और या मैंने आप सबको मतलब हर चीज़ बताई है शुरू से लेकर एंड तक कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है, क्या चीज़ कब आई है ये सब। और आज मेरे पास बताने के लिए उतना कुछ खास नहीं है, बट आपको पता था कि हाँ जब लिस्ट आई थी तो मैंने ऐसे वीडियो बनाई थी कि हाँ लिस्ट आ गई है एलिजिबल की, तो एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट आ गई थी वो मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी। 22 फेब को आई थी उनकी लिस्ट और आज है 23 मार्च है शायद, तो शायद हाँ 23 है, एक महीना कंप्लीट हो गया उस लिस्ट को आए हुए। आई डोंट नो हमारे साथ क्यों हो रहे हैं ये, क्योंकि जब भी फर्स्ट लिस्ट आई थी सेकंड लिस्ट आई थी तो उनके विद इन वीक में, जैसे उनको लिस्ट आई थी एलिजिबल कैंडिडेट की विद इन वीक में उनका ज्वाइनिंग लेटर उनको मिल चुका था, और या हमको अभी तक एक महीना अभी तक नहीं मिला है। और मतलब थोड़ा ऐसा मतलब ऐसा हो रहा है कि यार क्यों, क्योंकि हम बहुत सारे मतलब जब सबकी ज्वाइनिंग हो चुकी है लगभग और सब आराम से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, 4 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं उनकी ड्यूटी को, बट मैं अभी स्टिल अभी यहीं पे बैठी हूँ और आपको बैठ के ये वीडियो बता रही हूँ कि ऐसा हो रहा है। पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, और या मतलब थक गई मैं। मुझे लगा था कि मतलब मार्च में ज्वाइनिंग हो जाएगी, होनी चाहिए, क्योंकि ये सब इसीलिए हो रहा है ऐसे क्योंकि रोजगार मेला होता है, आपको पता हो, आप लोगों ने सुना होगा रोजगार मेला, तो उसी के थ्रू सबको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, तो मतलब ऐसा है कंपलसरी कर दिया है रोजगार मेला कि रोजगार मेले के दिन ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, वो भी वो वाला रोजगार मेला जो पीएम मोदी कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें पीएम मोदी ऑनलाइन आते हैं, फिर वो रोजगार मतलब वो जो ज्वाइनिंग सर्टिफिकेट है नियुक्ति पत्र वो बढ़ते हैं उसमें। उत्तराखंड का भी चले गया था, अभी 22 को था, उत्तराखंड का कल ही था, बट पता नहीं बिहार का कब होगा, और मतलब इस महीने भी नहीं हुआ उनका, था इस महीने था उन मतलब बिहार में था रोजगार मेरा इस महीने, बट वो मेडिकल मतलब मेडिकल के लिए नहीं था, मतलब नर्सिंग ऑफिसर इन सब के लिए नहीं था, कुछ और कंपनीज इनके लिए था। मतलब हमने कॉल किया फिर उनसे पूछा कि कब आएगा, पहले तो उन्होंने बोला कि पता नहीं पता नहीं, फिर किसी और ने कॉल किया तो उन्होंने बोला विद इन 10 डेज या वीक में आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमने सोचा था रोजगार मेले के दिन मिलेगा, बट हम ऐसे दे रहे हैं ये सुनने में आया था, और फिर हमको लगा कि मिल जाएगा मार्च में ही, बट फिर मैंने मंडे को कॉल किया था, आज शायद थर्सडे है, मैंने मंडे को कॉल किया था उनको पूछा था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि हम पता नहीं हमें मतलब कुछ ऐसा हमें ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं है कि कब होगा मेला, तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या क्यों ऐसा कंपलसरी कर दिया रोजगार मेला, मतलब अपना जो इलेक्शन चल रहा होगा जो भी चल रहा होगा उसके चक्कर में ऐसे, क्योंकि ऐसे फ्यूचर ऐसा होता है ना कि फ्यूचर बर्बाद ही समझो वो हो रहा है जो वो मतलब इलेक्शन इनके चक्कर में होता था, आज फील हो रहा है मुझे, मतलब मैंने सुना था बस कि ऐसा होता है, बट आज सच में ऐसे देख भी लिया कि क्या क्या होता है, मतलब क्या देख रही हूँ, क्या कर सकती है गवर्नमेंट, उनका मन चाहे वो तभी देंगे, मतलब हम कुछ कर भी नहीं सकते उसमें, और बस बैठ सकते हैं और वेट कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, और वही कर रहे हैं।
और उस वेट के चक्कर में मेरा वेट बढ़ गया है, जो आपको दिख रहा होगा, जो आप कमेंट भी कर रहे हैं इतना सारा। बट मुझे, अगर मुझे करना होगा एक्सरसाइज मैं कर लूँगी, मुझे ऐसे मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे कमेंट का। और या तो यही था, इसीलिए ऐसे आराम से शांत ऐसे बैठ कर लंच करके मैंने आपको ये सब बताया कि क्या क्या हो रहा है। बहुत मतलब मेरा ऐसा होता है ना कि बीच में आपने देख आपको आपने भी देखा होगा कि कभी मैं बहुत वीडियोस डालती हूँ, कभी बिल्कुल छोड़ देती हूँ। तो वही यही रीज़न है ये सब इन सब चीज़ों का, कि जब मुझे अच्छा वो होता है तो मतलब मोटिवेशन चाहिए होती है ना आपको, तो वो या आजकल वो मतलब थोड़ा उन्होंने ऐसे बोल दिया कि पता नहीं ये वो सब करके तो थोड़ा मूड ऑफ हो चुका है, मतलब कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसे वीडियो ये सब बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। बट मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि आप मुझसे बोल रहे थे कि व्लॉग बनाओ व्लॉग बनाओ, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ। फिर व्लॉग डाल के भी व्यूज़ नहीं आते तो वो और डिसअपॉइंटमेंट होती है कि यार व्यूज़ नहीं आ रहे। बट आप लोगों की भी नहीं है, आप लोगों को जैसा कंटेंट चाहिए होता है वैसा आपको मिल नहीं रहा, इसीलिए आप ये सब जितने भी ये सब व्यूज़ है मेरे, उसमें जितने भी ग्रो है मेरा चैनल का, वो सब बंद हो चुका है। मैं चाहती हूँ कि मैं ग्रो करूँ, मेरे चैनल को ग्रो करूँ, बट मुझे वो मोटिवेशन नहीं मिल रही है। मतलब हर जगह से मुझे ऐसे सैड सैड न्यूज़ ही मिल रही है, तो आप सोच सकते हो क्या करूँ। और आजकल मतलब मेरा किसी से मतलब ढंग से बात नहीं हो पा रही है, मतलब फ़ोन में चाहे मतलब मेरा किसी से मन नहीं कर रहा है ऐसे बात करने का, क्योंकि सबके क्वेश्चन यही होता है कि कब जा रहे हो, कब ज्वाइनिंग है, कब क्या है। जब ऐसे कोई पूछता है ना कि ज्वाइनिंग कब है, कब जा रही हूँ, मुझे इतना गुस्सा आता है ना कि यार जब भी होगा मैं बता दूँगी कब होगी ज्वाइन, फ़िलहाल तो अभी है नहीं। तो यही बता रही थी मैं आपको, बहुत सारी बातें सुन के कमेंट देख के बुरा लगता है ऐसे कि यार, समझ सकते हो कि एक पेपर हमने जब ऐसे कुछ क्वालिफाई कर रखा है एग्ज़ाम, उसके बावजूद भी हमको मतलब वो बुला नहीं रहे ज्वाइनिंग के लिए। 4 महीने हो गए हैं, 4 महीने कम नहीं होता है किसी की लाइफ में, तो 4 महीने हो गए हैं जॉब करे हुए साथ वालों को। बट मैं अभी भी ऐसी हूँ, वेट कर रही हूँ और बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ कि यार क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ। या ये सब था आपको बताने के लिए, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाई और ऐसा बताया कि क्या हो रहा है, ताकि आपको भी अपडेट मिलती रहे कि क्या चल रहा है, क्योंकि आप में से भी कमेंट करते हो, पूछते हो कि क्या हो रहा है, इसलिए ये बताया मैंने आपको। और इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ इसके अलावा, और मतलब जो था मैंने ये बता दिया है। और आज भी मैंने कॉल की थी बट उनका उन्होंने उठाया नहीं, स्विच ऑफ था कॉल। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत मुश्किल से लगता है कॉल उनका, गुस्सा आ रहा है इस चक्कर में कि वो अपना रोजगार मिले उसमें हमारा ऐसे फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं, हमको ऐसे घर पर बिठा रखा है उन्होंने। अभी एज है हमारी जॉब करने की और अभी हम ऐसे बैठ रखे हैं, तो डिसअपॉइंटमेंट होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, ये सब होता है जब। तो या मिलती हूँ मैं आपको शाम को, और आई होप कि समझ रहे होंगे कि क्या कंडीशन है। तो या स्टे ट्यून्ड, मिलती हूँ मैं आपको शाम को, और थोड़ी अभी सोती हूँ थोड़ी देर बाद। तो या बाय। Later that same evening. गुड इवनिंग। तो अभी मैं टफी को घुमा के लेके आ गई हूँ। टफी मतलब उसने मुझे बहुत दौड़ाया आज इधर उधर, और कभी वो ऊपर चले जाता खेतों खेत में, उसके पीछे भागना पड़ा, तो उसने मुझे बहुत आज दौड़ाया। तो अभी चाय टाइम है, मतलब अभी चाय पीने का टाइम है, और मेरा मन नहीं करता चाय पीने का, तो मैंने सोचा कि फ्रूट्स थे तो मैंने फ्रूट्स मतलब फ्रूट सैलड बनाया और ये अभी खा रही हूँ। अभी मतलब इसमें ऑरेंज और पपैया है, तो पापा ने काट के रखा था, तो मैंने सोचा कि यही खा लेते हैं आज, थोड़ा डाइट भी हो जाएगी और थोड़ा वैसे तो थोड़ा लाइट भी हो जाएगा, मतलब वैसे क्योंकि मुझे ज़्यादा वो नहीं थी,
चाय पीने की तलब नहीं थी आज, क्योंकि बहुत गर्मी थी, इसीलिए जिस दिन गर्मी होती ना उस दिन मैं अवॉइड ही करती हूँ चाय पीना, क्योंकि मुझे फिर गर्म हो जाता है, इसलिए मैंने कहा ठंडा ठंडा खाते हैं। फिर फ्रूटी थी तो मैं फ्रूटी भी पी रही हूँ। या पहले मतलब ये कहूँगी, फिर थोड़ी देर बाद पीऊँगी, क्योंकि फ्रूट्स के बाद डायरेक्ट पानी नहीं पीते हैं। या ये एक वो है कि फ्रूट्स के बाद डायरेक्ट पानी नहीं पीते हैं, थोड़ा रुक के पीते हैं, तो उसको इसको थोड़ा रुक के पीऊँगी। ये फ्रिज में तो बहुत ठंडा हो रहा है, इसलिए थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा ये। तो या अपना फ्रूट सैलेड इन्जॉय करते हैं। और या अभी एडिटिंग करती हूँ मैं वीडियो की, मेरी एक वीडियो है उसको एडिट करना है मुझे, तो उसको एडिट करती हूँ। और या मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। स्टे ट्यून। हेलो एवरीवन, सो डिनर भी हो गया है, और मतलब 10 बजने वाले हैं, 10:15 हो चुका है, डिनर हो गया है, नाइट केयर कर ली है मैंने। और या अपने व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग ऐसे, जैसे मैंने रैंडम ये व्लॉग ऐसे शूट किया, आपको पसंद आया होगा। तो या बाय एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड खुश रहो, मस्त रहो, हैप्पी हैप्पी रहो। बाय।